चल रही है बारिश का मौसम और बारिश के मौसम में तो हर कोई अच्छा रहता है, पर जो अच्छा नहीं रहता वो कौन है? वो है हमारी स्किन और हमारी हेयर। स्किन और हेयर प्रॉब्लम तो बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आज इस प्रॉब्लम को घटाने के लिए मैं एक स्किन प्रॉब्लम की एक अच्छी खासी फेस पैक लेके आई हूँ, जो कि इस बारिश में अल्टीमेटली पूरे साल के लिए होने वाली है, बहुत बड़ी फायदेमंद। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को करते लाइक, इस चैनल को करते सब्सक्राइब और बहुत बहुत शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। अरे हाँ, इंट्रो डालना तो मैं भूल ही गई। चलिए चलिए इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो आने वाला है। तो ये वाला फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है एक गोलू मोलू सा लाल टमाटर। थोड़ा लाल लाल देख के लीजिएगा, लाल टमाटर बहुत अच्छा रहता है। पता है 80 रुपये किलो है, इसलिए हाफ वाला ही यूज़ कर रही हूँ, पूरा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब ले लेना है ऐसा एक ग्रेटर, सबके घर में रहता है, और एक छोटी सी कटोरी, और इससे इस टमेटो को थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है। वो क्या कहते हैं हिंदी में, कद्दूकस कर लेना है। हाँ जी, बहुत अच्छे से इस टमेटो को मैं अभी कद्दूकस कर लूँगी। कुछ इस तरह से टोमेटो पल्प निकल के आया है। अब अगर चाहो तो इस पल्प को भी यूज़ कर सकते हो, या एक छेनी की मदद से इसको छान ले सकते हो, यानी कि स्ट्रेन कर सकते हो। मुझे टोमेटो जूस ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लूँगी और जूस निकाल लूँगी। आप टोमेटो पल्प भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अब जूस निकालने के बाद एक चम्मच हनी उस पर ऐड कर देंगे। कोई भी हनी आपकी पसंदीदा आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी मैं ऐड करूंगी एक जादुई इंग्रेडिएंट, जो कि है आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या सिसमी ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अभी एक थिक पेस्ट बनाने के लिए इसमें डालना है एक चम्मच बेसन और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ मैं, खादी का। ये मेरी सबसे फेवरेट मुल्तानी मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट देता है स्किन पे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के एक स्मूथ पेस्ट रेडी करना होगा। अभी मैं इस पेस्ट को 5 से 10 मिनट तक फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में रखने के बाद इसमें एक अच्छा सा कूलिंग सेंसेशन आ जाए। अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लूंगी और फेस को क्लीन कर लूंगी एक वेट वाइप की मदद से। आप चाहो तो फेस वॉश से भी क्लीन कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास एक फेस पैक लगाने के लिए ब्रश था, तो मैं उसी के मदद से अपनी फेस पे अच्छी तरीके से ये फेस पैक अप्लाई कर लूँगी। आप हाथ से भी लगा सकते हो। टोमेटो में होता है विटामिन सी और स्किन वाइटनिंग एजेंट, जो आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को हल्का करता है।
टोमेटो स्किन को और भी ज़्यादा लाइवली और यूथफुल बनाता है। हनी स्किन को हाइड्रेटिंग रखता है, कभी भी ड्राई आउट नहीं होने देता। बेसन और मुल्तानी मिट्टी स्किन की डेड सेल्स हटा के उसको और भी ज़्यादा रेडियंट और ग्लोइंग बनाता है। As I said, tomato is good for skin whitening, तो मैं आँखों के नीचे भी इसको अप्लाई करूँगी। डार्क सर्कल्स के लिए इसको बहुत अच्छा होता है अप्लाई करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फेस पैक पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और मैं 15 टू 20 मिनट्स इसको मैंने छोड़ दिया था फेस पर। उससे ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे ही पूरा फेस ड्राई हो जाता है। तो मैं अभी जल्दी से इसको वॉश करूँगी और वापस आपसे मिलती हूँ। As you can see, sunshine blessed skin is there, मॉनसून की डलनेस तो ऐसे मिट गई। तो मैं अपनी स्किन केयर ख़त्म कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पहले का फेस और आफ्टर यूजिंग दिस फेस मास्क मेरे फेस पे कैसा चेंज आया। आप भी इस फेस मास्क को यूज़ कीजिए, आई होप आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप उस रिजल्ट पाने के बाद मुझे एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतज़ार करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना मत भूलना। वापस आऊँगी और एक बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ, वादा करती हूँ। तब तक के लिए अच्छे रहना, खुश रहना, सबको खुश रखना और बाय बाय।